नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में 7 जनवरी को हुए होमगार्ड और उसकी पत्नी के हत्याकांड का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। होमगार्ड और उनकी पत्नी की हत्या उनके दोस्त ने ही की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि होमगार्ड का उनकी पत्नी से अवैध संबंध था। हत्या करने से पहले उसने होमगार्ड को शराब पिलाई थी। वह केवल होमगार्ड की हत्या करना चाहता था, लेकिन पत्नी होमगार्ड को बचाने के लिए आ गई, जिसके चलते उसने होमगार्ड के साथ ही उसकी पत्नी को भी मार डाला। एसएसपी विपिन ताना ने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया है। सुनिए, जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कहा। थाना सदर बाजार में 8 तारीख को पुलिस को एक होमगार्ड के घर के सामने एक मोटरसाइकिल मिली और कुछ वहाँ खून पड़ा मिला, जिस पर कि आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर गई, जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान उसी सुबह ननौता थाने में एक नहर में एक महिला का शव मिला और उसी रात में थाना सरसावा में एक बिटोरे में एक शव जलता मिला पुलिस को, रात्रि गश्त के दौरान, जिसे कि निकालकर पीएम के लिए भिजवाया गया था। जब थाना सदर बाजार ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें एक होमगार्ड श्रीराम और उनकी पत्नी का वहां से घर से लापता होना पाया गया। इस पर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जो ननौता में शव मिला था उसकी पहचान करते हुए उसे उस होमगार्ड की पत्नी का पाया और होमगार्ड का कोई अता पता तब तक हमें नहीं मिला था। इस पर जो मृतका पत्नी थी उसके भाई ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया थाना सदर बाजार पे और इसमें पुलिस जांच पड़ताल में लगी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करके पति और पत्नी दोनों की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो पुलिस की पड़ताल में आया उसमें पुलिस को जानकारी मिली कि घटना की शाम यानी कि 7 तारीख को जो मृतक होमगार्ड श्रीराम है और जो उनके एक मित्र हैं ब्रजेंद्र और एक अन्य युवक, ये 3 लोगों ने एक स्थान पर शराब पी थी। वहाँ पर ब्रजेंद्र की दुकान पर जहाँ ये शराब पिए थे वहाँ पर होमगार्ड की पत्नी आई और वहाँ पर इनसे काफ़ी झगड़ा किया। इसके पश्चात जो दोनों मृतक हैं और जो युवक था जिसको कि बाद में आलम के नाम से पहचाना गया, वो तीनों जो मृतक हैं उनके घर चले गए। वहाँ पर पति पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ और इस दौरान उनमें धक्का मुक्की भी हुई। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो अभियुक्त आलम है उसने होमगार्ड के सर पे एक ईंट से वार किया जहां वो बेहोश हो गया। जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो उसने शोर मचाया, इस पर उसने पत्नी पर भी ईंट से वार किया और वो भी वहां बेहोश हो गई। दोनों की वार करने के बाद में इसने उनके शव को अपनी सेंट्रो कार में रखा, लाद लिया और उसे ले जाकर इसने बड़े सुनियोजित तरीके से दूर दूर शवों को फेंकने का इसने प्रयास किया, जिसमें कि एक इसने ननौता में फेंका, एक नहर में जहाँ की जलकुंभी के अंदर वो शव दबा था और दूसरा इसने रात में ही ले जाकर ये पंजाब में भाखड़ा नागल नहर में इसका फेंकने का इरादा था, परंतु वहाँ रास्ते में इसे बिटोरा मिला है और सुनसान जगह देखकर इसने सोचा कि वहाँ पर पंजाब ले जाने के दौरान हो सकता है पुलिस इसको रास्ते में पकड़ ले शव को ले जाते हुए, इसलिए इसने अकेली जगह देखकर बिटोरे में वो शव रखकर वहाँ आग लगा दी। परंतु वो आग लगते देखकर पुलिस पार्टी जो गश्त पे थी वो वहाँ पहुँची और उन्होंने शव को निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। हालांकि चेहरा जलने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, परंतु बाद में बदमाश ने ही वो जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पर उसने होमगार्ड का शव जलाया। जो आगे पूछताछ की गई इनसे तो इसमें जानकारी हुई कि जो श्रीराम है मृतक उसके युवक उसका एकमात्र बेटा था जिसने पिछले साल वर्ष 2023 में जहर खाकर एक मामले में सुसाइड कर लिया था और इसके बाद से ही जो इकलौते संतान के ख़त्म हो जाने की वजह से श्रीराम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसके घर में विवाद भी था पत्नी से और रिश्तेदारों से। इसी क्रम में जो ये अभियुक्त था आलम, इसका और श्रीराम का जो मृतक है उसका आपस में 15 सालों से काफ़ी जानकारी थी, दोनों का एक दूसरे के घरों पे आना जाना था और 2019 में ये जो अभियुक्त है आलम ये एक मामले में जेल गया था। इसने पूछताछ में बताया कि अभी इसे 2-3 महीना पहले जब ये श्रीराम के साथ शराब पी रहा था तो श्रीराम ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि ये अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी पत्नी को श्रीराम के पास भेज दें।
इस पर इसके मन में शक गहराया कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसे क्यों दिया गया है। इस पर इसने जाकर अपने घर पर अपने परिजनों से और पत्नी से पूछताछ की, जिसमें कि इसको पूरी ये जानकारी हुई कि इसकी पत्नी और जो मृतक है श्रीराम, उसके बीच में संबंध बन गए थे जब ये जेल में था, और उसके बाद में निरंतर इनका आना जाना आपस में लगा रहा, और इसी के चलते यह आक्रोश और विद्वेष की भावना से इसने ये घटना कारित करने की योजना बनाई। फिर इस पर शक न जाए इसके लिए इसने जाकर पंजाब में एक मंडी में पल्लेदारी का काम किया, वहाँ कमरा किराया लिया। ये पहले भी वहाँ रह चुका था एक साल के लिए और दोबारा ये वहाँ गया। फिर इसने वहाँ से 3 दिन की छुट्टी ली और छुट्टी लेकर ये यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर इसने मृतक को फ़ोन किया और साथ में पार्टी करने की योजना बनाई, जिस पर कि मृतक ने इसको ब्रिजेंद्र की दुकान पर 7 तारीख को बुलाया शाम को। ये गया, एक दुकान से शराब ली जिसका कि CCTV फुटेज पुलिस ने प्राप्त किया है, और वहाँ शराब लेकर ये दुकान पर गया और वहाँ पर पिया, जिसके बाद में कि जो मृतक है उसकी पत्नी ने आके उससे झगड़ा किया वहाँ पर, और वहाँ से ये घटनाक्रम इसने फिर कारित करना। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे दोनों शवों को बरामद करके और अभियुक्त की गिरफ्तारी की है और साक्ष्य संकलन किए हैं। इसके लिए जो पुलिस टीम है उसे मेरी तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार है, और बहुत अल्प समय में ये बहुत ही शातिराना अंदाज से इसने घटना कारित की थी, जिसमें कोई आला कतल का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि स्थानीय ईंट, मौके पर पड़ी ईंट का ही प्रयोग हुआ, और शवों को वहाँ से बहुत दूर फेंका गया था ननौता और सरसावा थाने में। उसकी शिनाख्त करके घटना का अनावरण किया पूरे 36 घंटे में। इसके लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार मिला। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।